नमस्कार। सृजन कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। सृजन एक ऐसा मंच है जहां पर हम अपने अतिथियों को बुलाते हैं और किसी भी एक विषय पर हम लोग वाद विवाद और संवाद करते हैं। सज्जनों, आज का जो हमारा विषय है बहुत ही दिलचस्प है, हमारे जीवन से जुड़ा हुआ विषय है। और अपने विषय पर आने से पहले मैं थोड़ा सा पृष्ठभूमि में आप लोगों को बता दूं कि इस पूरे संसार को एक मंच की तरह माना गया, और ये काफ़ी लोगों ने कहा है, विलियम शेक्सपियर ने भी कहा है कि द वर्ल्ड इज़ ए स्टेज। और इस मंच पर जहाँ पर कलाकार अपनी भूमिका निभाता है, उसी मंच पर बहुत सारे अन्य उपकरण हैं जो पूरे उस मंच की साज सजावट को और सुंदर बना देते हैं। जहाँ पर हम लोग व्यक्ति संसार में अपनी भूमिका निभाते हैं, जीवन यापन करते हैं और आगे बढ़ते हैं, काम घर परिवार और बाकी चीज़ों के बारे में सोचते हैं, वहाँ पर जो अन्य उपकरण की जो मैं बात कर रहा हूँ वो ये है कि हमारे जीवन से जुड़े हुए होते हैं बहुत सारे ऐसी स्थितियाँ जिनमें से एक त्यौहार होते हैं। आज का हमारा विषय त्यौहार पर ही आधारित है, और मैं अपने दो मेहमानों के साथ दीपावली के अवसर पर दीपावली के उस आयोजन और उस महत्वपूर्ण त्यौहार के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। इस देश में अन्य धर्म के अन्य संप्रदाय के लोग भी उपस्थित हैं। हम ये देखेंगे कि इस पर्व का महत्व क्या, हमारे इस देश के सोशल हार्मोनी क्या, हमारे देश की एकता और अन्य परंपराओं को साथ मिलाकर आगे बढ़ने में सफल हो पा रही है या नहीं, इन सब पर चर्चा परिचर्चा करने के लिए मैं अपने मेहमानों का स्वागत करने जा रहा हूँ। मेरा सबसे पहला मेहमान प्रिया देवी दयाल जी हैं, आपका स्वागत है सृजन के मंच पर। प्रिया जी ने बीए, एमए और एमफिल दिल्ली विश्वविद्यालय से किया है, और इनका विशेष क्षेत्र फिलॉसफी है, दर्शन शास्त्र, और इसमें काफ़ी सक्रिय है और काफ़ी सक्रिय रूप से प्रयास कर रही हैं और शोध पत्र भी आप लिख रहे हैं, तो आपका स्वागत है मंच पर। और मेरा दूसरा मेहमान है वशिष्ठ झमन जी, वशिष्ठ झमन स्वागत है। और वशिष्ठ झमन शिक्षक है, और इनकी रुचि अनेक स्तरों पर देखी जा सकती है। एक तो उभरते कवियों में इनका एक नाम गिना जाता है, काफ़ी प्रतियोगिताओं में आपने भाग लिया और आपको इनाम भी प्राप्त हुए, और अन्य सांस्कृतिक गतिविधियों में भी आप भाग लेते हैं, और मूलतः हिंदी के शिक्षक हैं। तो दर्शकों, दिवाली पर जब हम चर्चा करते हैं, मुझे बस पृष्ठभूमि के रूप में, बैकग्राउंड के रूप में ये बताइए कि इसके पीछे क्या कारण है, क्या वजह है, क्यों मनाते हैं? प्रिया जी, जैसे हम आपने बताया, दीपावली तो हिंदियों का एक ऐसा महत्वपूर्ण त्यौहार होता है जहाँ पे आजकल ना केवल बुरे लोग लेकिन कई जवान भी उसमें भाग ले रहे हैं। तो उनके जो कारण होते हैं क्यों दिवाली मनाते हैं, एक तो जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड होता है कि राम जो है अपने जो वनवास काट कर वो अयोध्या लौटते हैं, एक वो वजह होता है, और कृष्णा जो है एक राक्षस को मारता है, ये सभी जो कारण हैं होते हैं। लेकिन क्यों मनाते हैं और उसके पीछे जो सिंबॉलिक मीनिंग है वो महत्वपूर्ण होता है। जैसे कि हम लोग क्यों मिठाई बांटते हैं, हम लोग क्यों दिया जलाते हैं, ये सब जानना बहुत आवश्यक। ये जो आपने कहा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और धार्मिक पृष्ठभूमि में, एक तो आपने श्री राम जी की कथा को लेकर बताया कि इसके पीछे कारण ये है, एक दूसरा आपने श्री कृष्ण जी और आर्य समाजियों की दृष्टि से भी दीपावली का एक महत्वपूर्ण महत्व होता है, और संसार भर में स्वामी दयानंद के साथ जुड़े हुए हैं, और इस प्रकार के वशिष्ठ जी आप थोड़ा सा और पृष्ठभूमि में बताइए। पौराणिक कथाओं का तो महत्व है ही जी। प्रचलन ये है कि दिवाली 5 दिनों का त्यौहार है। अच्छा, उन 5 दिनों के नाम अलग अलग हैं, अच्छा, दिए गए हैं। लेकिन आजकल हम देखते हैं कि इन 5 दिनों को उतना महत्व नहीं दिया जाता है, केवल एक दिन को बड़े भव्य तरीके से दिवाली मनाई जाती है जी। घरों की सफाई होती है,
मिठाई बांटे जाते हैं, पकाए जाते हैं आस पड़ोस के लोगों में, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं दिवाली की शुरुआत जहाँ से हुई आज समय के चलते उसका रूप बदल गया है जी। बदल गया है इस रूप में कि आजकल मुझे लगता है अपने व्यक्तिगत रूप से कि दिवाली एक व्यापार बन गया है। व्यापार बन गया है, एक तो मिठाई कपड़े ये सब बिकती है और सजावट के सामान सब कुछ बिकता है जो घर पर लोग बनाते थे अपने हाथों से पहले बनाते थे, अब तो दुकानों में मिलता है, खरीदने जाते हैं, सुविधाएं बहुत सारी सुविधाएं बहुत सी आ गई हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस रूप में हमारी चूक मैं समझूंगा। अच्छा, देखिए अगर घर पर परिवार मिलकर मिठाई बांटते हैं, माँ बना रही है, उधर बेटा कुछ कर रहा है, मदद कर रही है रसोई में, बेटी कुछ और बना रही है, तो परिवार को एक मौका मिलता है। हालांकि आज दुनिया में सभी लोग अपने भागदौड़ में जुट गए हैं, काम, बच्चों को लेंगे तो पढ़ाई, परीक्षा, आपस में परिवार का जो एक महत्वपूर्ण सामाजिक इकाई है तो उसका महत्व कुछ घट गया है जी 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 जी, जी। उसका प्रतिबिंब हमें समाज में मिलता है। अच्छा। जैसे कि युवा लोग ड्रग्स की ओर जा रहे हैं, उनके पास जो कैसे कहेंगे गुमराह होते हैं। तो दिवाली एक ऐसा त्यौहार है जो मौका देता है हम लोगों को कि हम अपने ही जनों को, अपने बच्चों को, युवा लोगों को एक दिशा दें। जैसे कि प्रिया ने बताया कि आंतरिक जो प्यूरिफिकेशन है, तो मुझे लगता है इसका सबसे ज्यादा परिवार में होता है। प्रिया, मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा। इन्होंने कहा है कि दीपावली जैसे त्योहार हम लोगों को अवसर देता है कि हम अपने परिवार के उस उन मूल्यों से फिर से जुड़ें और परिवार की एकता के साथ फिर से जुड़ें। आपको क्या लगता है कि युवकों की स्थिति क्या है इस संदर्भ में? बिल्कुल, जब लोग हम लोग दीपावली का जो त्यौहार है आजकल हम देख सकते हैं कि बहुत से युवक जो हैं वे लोग भाग ले रहे हैं। कैसे भाग ले रहे हैं? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल नाटक है। अच्छा। दिवाली शोज होते हैं, दिवाली नाइट्स शोज होते हैं, रामायण चांटिंग हो रहे हैं, और रंगोली जैसे जो कंपटीशन है वो भी उसमें हिस्सा ले रहे हैं। मतलब हम देख सकते मंच मिल हैं। रहे हैं। मंच मिल रहे हैं, तो वे लोग आगे आ रहे हैं, अपने टैलेंट्स को बता रहे हैं कि हम लोग कैसे दिवाली मना सकते हैं। नाटक द्वारा वे लोग प्रस्तुत कर रहे हैं, बता रहे हैं कि दिवाली का महत्व क्या है। तो युवकों के लिए क्या आप बताएं, मैं सही सोच रहा हूं या फिर अलग सोच रहा हूं कि ये जो मंच मिलता है उनको अवसर मिल रहे हैं कि अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन कर सके। और जैसे आपने बताया दिवाली शोज, दिवाली नाइट्स वगैरह, ये सब सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं जहां पर नाटक, रंगोली की बात आप कर रहे हैं। क्या अब ये कुछ वर्षों से मैंने देखा कि काफी प्रचलित हो रहे हैं। क्या है रंगोली, कहां पर, किस स्थिति में युवक अपनी प्रतिभा दिखा रहे हैं, थोड़ा सा बताइए। जैसे कि जब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी तो वहाँ पर जो कॉलेजेस में होते थे, क्या जो कॉलेज सभी जो कॉलेज होते हैं वे लोग अपनी रंगोली को प्रस्तुत करते हैं। अच्छा, प्रतियोगिता, बाकायदा प्रतियोगिता। तो कंपटीशन के द्वारा जो है ना वे लोग इतनी प्रोत्साहित होते हैं कि वे लोग अच्छे से अच्छे रंगोली बनाए। अच्छा। लेकिन जहाँ पे यहाँ पे मॉरिशस में मुझे ये प्रोत्साहित नहीं दिखाया जाता है कि युवक जो है ना होता है, वे लोग एनकरेजमेंट हुआ है, लेकिन इतना ज्यादा, मतलब कुछ लोग शायद करते होंगे घर पे, लेकिन एक राष्ट्रीय स्तर पर आपको लगता है कि होना चाहिए कुछ ऐसी गतिविधियां। और कुछ गतिविधियां है जी? बिल्कुल, मैं यहाँ पर सनातन धर्म टेम्पल्स फेडरेशन का एक उदाहरण लेना चाहूंगा। जी जी, सनातन धर्म टेम्पल्स फेडरेशन रामायण कॉम्पिटिशन आयोजित करती है। अच्छा। और काफी बड़े भव्य रूप के साथ राष्ट्रीय स्तर पर होता है। तो उसमें से जो प्रतिभागी होती हैं वो तो होते ही हैं, लेकिन ये बात ध्यान
ध्यान में आती है कि अगर एक घर में कोई एक प्रतियोगिता में भाग ले रहा है तो उसके साथ पूरा परिवार जुड़ जाता है, बहुत जुड़ जाता है। ये इससे मुझे लगता है कि मूल्यों का प्रतिपादन बहुत अच्छे तरीके से होता है, हो सकता है उनके द्वारा, ऐसे कॉम्पिटिशन्स के द्वारा। लेकिन ये तो सनातन धर्म की बात है। मैंने मुझे मौका मिला है, कई ऐसे एनजीओ से बातचीत हुई है, वे करना चाहते हैं लेकिन उनके पास फंड्स नहीं होते हैं। सनातन धर्म जो पुरस्कार देता है उसको देखकर ही बहुत से लोग भाग लेते हैं, लेकिन जो एनजीओज है उन्हें फंडिंग की बहुत प्रॉब्लम होती है। एनजीओज भी सामने आ रहे हैं और अन्य संस्थाएं भी सामने आ रही हैं, और मुझे पूरा लगता है कि कुछ सालों से मॉरिशस में जैसे एक 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 बड़ा वेव सा उभर रहा है, और खासकर युवक इस तरह से उत्तेजित हैं इन त्योहारों में भाग लेने के लिए, चाहे उनकी वेशभूषा आप देख लीजिए, चाहे साफ सफाई को देख लीजिए। तो साफ सफाई की ही बात करें तो आपको क्या लगता है कि ये जो इसके पीछे विचार हैं कि दीपावली के उपलक्ष पर हम लोग कुछ दिन पहले से ही घर की साफ सफाई करने लगते हैं, नए कपड़े खरीदने लगते हैं, ये जो इकोलॉजिकल बैकग्राउंड है, इस पर थोड़ा सा बताएं प्रिया जी। जैसे कि जो हम वे लोग जानते हैं कि दीपावली हम मना रहे हैं, मिठाइयाँ बांट रहे हैं वगैरह वगैरह, लेकिन उनके पीछे जो कारण होते हैं, जैसे कि वे लोग पटाखे फोड़ रहे हैं लेकिन इसके द्वारा से एयर पोल्यूशन बढ़ रहे हैं, और जैसे कि ज़्यादा जो इलेक्ट्रिकल लाइटनिंग्स जो हैं वे लोग प्रयोग कर रहे हैं अभी, तो इससे इलेक्ट्रिसिटी पर प्रभाव आ रहे हैं। तो ये सब जो इको फ्रेंडली जो माध्यम हैं ताकि हम लोग यूज़ करें, तो ये लाना चाहिए ताकि युवक जो है ना वे लोग रियलाइज़ करें कि उसके पीछे क्या महत्व है। हिंदुइज्म में यदि आप देखें तो जहाँ पर अनेक देवताओं के पूजन की बात कही गई, जैसे अग्निदेव और धरती माता और गंगा माँ और गोवर्धन पर्वत और सूर्य देवता आदि, तो ये सभी जो पहलू हैं कहीं ना कहीं प्रकृति से जुड़े हुए हैं। आपको क्या लगता है कि पूजन का असली मतलब, असली अर्थ शायद आज के वातावरण में जहाँ पर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात, इस पर भव्य अंतर्राष्ट्रीय मंच पर चर्चा कर रहे हैं और इको फ्रेंडली की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर इस प्रकार के पूजन का सही अर्थ युवक अगर पहचाने तो महत्वपूर्ण होगा। क्या लगता है आप लोगों को? पर्यावरण की रक्षा ये तो होना ही चाहिए जी जी, लेकिन मैं जैसे कि पटाखे की का उदाहरण लिया गया है, मैं उसके सकारात्मक पक्ष की ओर भी थोड़ी दृष्टि डालना चाहूँगा। बताइए, देखिए आज किसी भी बच्चे को लेंगे, उसको पूछेंगे दिवाली का अर्थ क्या है, उसका सीधा जवाब होता है पटाखा। अगर ये पटाखा न हो तो शायद बच्चे दिवाली से जुड़ नहीं पाएंगे। अच्छा। मैं सोच रहा हूँ आज ऐसी स्थिति हो गई है कि बच्चों को आकृष्ट करना है तो पटाखा एक जरिया है। एक बार बच्चा उस वातावरण में आ गया तो उसमें ये सभी मूल्यों का अंकन कराना बहुत आवश्यक है जी जी। कि दिवाली में ये होता है, दिवाली का मतलब है कि अंधेरे पर रोशनी का विजय, जैसे कि राम ने रावण को मारा था, तो आज हमें अपने अंदर के राम को बाहर लाना है जी जी, अपने अंदर के रावण उनका दमन करना है जी। तो इस प्रकार से मुझे लगता है कि बच्चों को और अधिक सशक्त हम बना सकते हैं ताकि वे आगे चलकर हमारे समाज में अच्छे नागरिक बन सके और देश को छोटी छोटी बातों से ही, और मुझे लगता है कि अनुकरण से बहुत ज़्यादा कुछ सीखते हैं। अब देखिए दीपावली के दिन जिस अंतिम दिन की बात वशिष्ठ ने की है, और घर में पहले से ही तैयारी, शाम के समय आप देखेंगे कि बड़ी थाली में दिए सजाए जा रहे हैं, बत्ती लगाए जा रहे हैं और तेल लगाए डाले जा रहे हैं, और उसमें बच्चा भी कहीं ना कहीं अपना हिस्सा, अपनी भूमिका निभाते हैं। तो वो सीख रहे हैं, वो देख रहे हैं कि माता पिता क्या कर रहे हैं, और उसी आधार, उसी सीख को वह अपना संस्कार बनाता जाता है। आपको क्या लगता है, बचाए इसके कि आपने केवल कैंडल्स खरीद लिए और जला दिए और जस्ट
बस ऐसे लगा दिया, क्या लगता है आप लोगों को? बिल्कुल, जैसे कि हम देखते हैं कि शिक्षा जो है ना वो घर से ही शुरू होता है, जो अपब्रिंगिंग होता है वो बहुत ज़रूरी होता है। तो जो माँ बाप जो है अपने बच्चों को सिखा रहे हैं दिवाली के त्यौहार कैसे मनाते हैं, उनका महत्व क्या है, छोटी छोटी जो चीज़ें हैं उनका महत्व क्या है, तभी तो वो बच्चा सीखेगा। और इसके द्वारा क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं, उनको भी ये सिखाना पड़ेगा, क्योंकि अपब्रिंगिंग से ही उनको जो है बाद में फ्यूचर में उनका सही ये आवश्यक है। दीपावली हम लोग कई वर्षों से मनाते हैं मॉरिशस में, और मॉरिशस का जो सोशल फैब्रिक है, हमारा जो समाज है जिनमें अनेक संप्रदाय अनेक धर्म के लोग रहते हैं, तो किस प्रकार से ये दीपावली जो कभी शायद केवल हिंदुओं के लिए एक त्यौहार एक पर्व हुआ करता था, अब किस तरह से दीपावली एक राष्ट्रीय स्वरूप धारण करती जा रही है, और किस तरह से हमारी उस सोशल हार्मोनी उस एकता और देश के जो अंतर संबंध है उसको बढ़ा रही है, आपको क्या लगता है कि दीपावली की महत्वपूर्ण भूमिका है इस संदर्भ में? बिल्कुल है। देखिए मॉरिशस तो एक प्यूरी कल्चरल देश है जी। आज हम एक मॉरिशसिय को इमेजिन नहीं कर सकते कि वो दाल पूरी नहीं जानता है, सही है, बिरयानी नहीं जानता है, मीनफिरे नहीं जानता है। अब त्योहारों का महत्व इस रूप में उजागर होता है कि अनेक अनेक धर्मों के पकवानों के द्वारा जी हम अपने पड़ोसियों की पड़ोसी चाहे मुसलमान हो चाहे ईसाई हो चाहे चाइनीज हो कुछ भी हो हम एक दूसरे को जानते हैं जानते हैं, और जानने के बाद उनके साथ जीवन व्यतीत करते हैं तो उनका उनके जो मूल्य है वो अपने आप ही हम में आ जाती है। बहुत सही। देखिए दिवाली आती है तो सभी लोग काम में एक उदाहरण देता हूँ, काम में मेरे मुसलमान दोस्त है उनको उनको हर्ष महसूस होता है दिवाली आ रही है, क्यों उनको मिठाइयाँ मिलेंगी, जब ईद आती है तो सेवई मिलेंगे, तो ये सब मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि अप्रत्यक्ष रूप से ही लेकिन ये हमें बेहतर इंसान बनाता जाता है। सही है, मिठास आ जाती है, मिठास ना, और जहाँ पर मतलब हम अपने कामों में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अपने पड़ोसियों से कभी बहुत कम समय मिलता है बात करने के लिए या फिर अन्यों के साथ संपर्क हमारा, तो ये अवसर है हमारे लिए, ये एक अवसर, केवल मिठाई बांट नहीं रहे हैं लेकिन प्यार भी बांट रहे हैं, संबंध बढ़ा रहे हैं, और वो जरूरी है मॉरिशस के लिए। बहुत सारी जो कम्युनिटीज हैं उनको जो है जोड़ते हैं, दिवाली के अवसर एक अवसर है जहाँ पे वे लोग वेट करते हैं मिठाइयों के लिए, और इसके द्वारा से जो रिश्ते हैं उसमें मिठास भी आ जाता है। जी जी जी, आवश्यक है और इस रूप में महत्वपूर्ण है, और इसके द्वारा जो नेशनल यूनिटी है उसका भी जो है ना वो कंसोलिडेट हो जाता है एक तरह की। और जब हम अंतर्राष्ट्रीय की स्तर पर बात करते हैं, अभी तो फिलहाल ही में हम देख सकते हैं कि शायद लास्ट ईयर है कि एक जो कोलैबोरेशन है धन सेवा, तो ये नवंबर के महीने में ही चलाया जाता है। अच्छा। जो जिस के माध्यम से जो है सर्विस को और प्रोत्साहित करते हैं, और ना केवल मिठाइयाँ बांटने से लेकिन जो फाइनेंशियल हेल्प है जो गरीबों को देना चाहिए वो भी हो रहे हैं नवंबर के महीने में, और उसका जो सेवा भाव है वो आगे बढ़ते। दीपावली पूरे संसार में मनाई जाती है, और यूनाइटेड स्टेट्स में पहली बार के लिए जॉर्ज डब्ल्यू बुश जब राष्ट्रपति थे तो उन्होंने लगभग 2007 में व्हाइट हाउस में पहली बार के लिए ये प्रेरणा ली कि दीपावली मनाए जाएंगे, और 2009 में बराक ओबामा पहले व्यक्ति हुए जिन्होंने दीपावली को मनाया था उस स्तर पर। और मेरा ध्यान देखिए दीपावली के कुछ सांस्कृतिक पहलू हैं, दीपावली के कुछ धार्मिक बैकग्राउंड है, और दीपावली के कुछ प्रैक्टिकल और साइंटिफिक जो वैज्ञानिक पहलू भी है जिन पर मुझे लगता है कि आजकल हमें और अधिक बल देना चाहिए, क्योंकि इस त्यौहार में वैल्यूज इतने सारे हैं
मूल्य इतने सारे हैं, क्या लगता है आप लोगों को वो आवश्यक है, इन पर भी अधिक बल दिया जाना चाहिए? बल दिया जाना चाहिए, लेकिन प्रश्न उठता है कैसे। तो जैसे कि आपने उदाहरण दिया बराक ओबामा का, तो मैं अभी एक उदाहरण लेना चाहूँगा। जी जी जी। सलमान खान, उनको सभी जानते हैं। जी जी। तो गणेश चतुर्थी थी, तो उन्होंने अपने यहाँ, अगर मैं गलत नहीं हूँ, गणेश जी को स्थापित किया, उसका विसर्जन आदि सब किया। तो जब ऐसे लोग ये करते हैं और मीडिया उसको पूरे विश्व में कवर करता है, तो इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ता है। जी जी जी। मीडिया की ही चर्चा करूँगा, जैसे कि डेली सोप्स, उसका महत्व घर घर में है। ऐसा आजकल ऐसा कोई घर नहीं है कि एक समय होता है, ये समय कोई डिस्टर्बेंस नहीं, हम टीवी देखेंगे, डेली सोप्स देखेंगे। और उसके पीछे कारण भी है कि उन उस डेली सोप्स में जो पहनावा, जो भाषा, जो अभिनय और बाकी चीजें, वो सब जो हमें देखने को मिलता है, अच्छा, हालांकि उसके पीछे व्यापार ही है मुद्दा, लेकिन प्रभावित तो करते हैं, प्रभावित तो करते हैं सकारात्मक रूप से और नकारात्मक रूप से भी। लेकिन मैं चाहूंगा कि उसके सकारात्मक रूप को ले। सही है, ये आवश्यक है। आप दोनों युवा पीढ़ी से हैं और आज जो जितने सारे लोग पूरे मॉरिशस में और बाहर भी हमको सुन रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे दीपावली के अवसर पर उन लोगों को, आप क्या बताना चाहेंगे, किस तरह से सक्रिय हो, किस तरह से अपने अंदर की जो जो सृजनात्मकता है, जो क्रिएटिविटी है, वो उभारे, आप क्या क्या संदेश देना चाहेंगे उन्होंने? जैसे हमने बताया कि जो रंगोली है वो एक ऐसे माध्यम है जैसे कि हम अपने जो टैलेंट्स हैं वो उभारे और दर्शाए कि कैसे जो है कंपटीशन चाहे हो या ना हो, हम लोग आगे बढ़े, नाटक द्वारा प्रस्तुत करें कि दिवाली और का जो प्रतिभाएं सामने आए वो और बढ़े, और इसके द्वारा जो है हम लोगों को जो है एक प्लेटफॉर्म मिलता है ताकि हम लोग आगे बढ़े और दिवाली का जो सही अर्थ है वो जाने, वो समझे। मतलब युवकों से आप कहना चाहेंगे कि जितने सारे मंच हैं उनका भरपूर उपयोग करें और अपने अंदर जितने क्रिएटिविटी है, जितने टैलेंट है, वो उभारे। वशिष्ठ जी, आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, दिवाली जैसे त्योहारों को मैं प्रेरणा स्रोत के रूप में चाहूँगा कि लोग उसको लें। कोई भी क्षेत्र हो जिससे आपका संबंध है, जैसे साहित्य है, आर्ट है, संगीत है, किसी भी क्षेत्र हो तो दिवाली एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे हम बहुत कुछ ले सकते हैं। जो भाव है जैसे और तो भाव पर ही निर्भर करता है, किसी भी कला भाव का संप्रेषण। तो अगर हम भाषा के माध्यम से, किसी भी माध्यम से उस भाव को और लोगों तक पहुंचा सके, जैसे कि तो फिर बहुत 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 ही बहुत अच्छा है। अच्छा रहेगा। इतने अच्छे और गहरे और तर्कपूर्ण विचारों के साथ हम अपने कार्यक्रम का अंत करने जा रहे हैं और बहुत कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे सामने आए। और दीपावली के उपलक्ष पर हमने अपने दो मेहमानों के दृष्टिकोण को पाया इस मंच में और किस तरह से और अधिक प्रतिभाएं सामने आ सकती है प्रतियोगिताओं के जरिए और सांस्कृतिक कार्यक्रमों और अनेक मंचों के जरिए। तो इसके साथ दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी लोगों को, आपके परिवार को, और दीपावली के सही अर्थ महत्व को पहचाने, उनके अंदर से जो जो वैल्यूज़ हैं, जो मूल्य हैं, उनको पहचाने और अपने भीतर जितने सारी क्रिएटिविटी है वो उभारें। तो दर्शकों, सृजन कार्यक्रम का अंत यहाँ पर होता है। हम लोग एक अगले अंक के लिए फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।